नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। नकली नोट के साथ चार आरोपी गिरफ्तार। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और एसडीएसपी बैयर के नेतृत्व में बैयर पुलिस ने चार आरोपियों को नकली नोट के साथ पकड़ा है, जो बैयर के मुक्की रोड स्थित ब्रह्मी चौराहा में नकली नोट खपाने की मंशा में पहुंचे थे, जिसकी मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को नकली नोट के साथ पकड़ा, जिनके पास से 4,94,000 रुपए के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले की पुष्टि करते हुए एडीएसपी श्यामलाल मरावी ने बताया कि आरोपी डिंडोरी और मंडला के रहने वाले हैं, जो नकली नोट खपाने आ रहे थे। बरामद किए गए सभी नोट 2000 और एक ही सीरीज के हैं। बहरहाल पुलिस अब आरोपियों से नकली नोट को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि यह नोट आरोपियों के पास कहाँ से पहुंचे और इसके पीछे कौन है। प्राप्त जानकारी अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस थाना बैहर ने जिला डिंडोरी एवं मंडला से जिला बालाघाट अंतर्गत थाना बैहर के मुख्य रोड स्थित बमनी चौराहा आए। युवक शरद पिता छोटू उर्फ वीरेंद्र सोनी उम्र 30 वर्ष, मनोहर सिंह पिता प्रताप सिंह राठौर उम्र 50 वर्ष एवं अमृत मरावी पिता समय लाल उम्र 28 वर्ष तथा मुकेश कुमार नंदा पिता स्वर्गीय धनेश कुमार उम्र 29 वर्ष जिला मंडला से 2000 रुपए के नकली नोट कलर प्रिंट से बनाए कूटरचित एवं नकली कुल 247 नोट 4,94,000 रुपए सहित का एक हीरो होंडा सीडी 100 मोबाइल साइकिल क्रमांक MP52MC7595 तथा एक नई एक्टिवा स्कूटी VS6 बरामद करने में सफलता मिली है। उक्त चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध धारा 490-34 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्य आरोपियों एवं उक्त कूट रचित एवं नकली नोटों के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। आरोपियों एवं कूट रचित जाली नोटों को बरामद करने में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरवर सिंह सहित थाना स्टाफ एवं हाउस के स्टाफ की एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।